दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला 70वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का जयपुर वर्सेज सीकर के मध्य। इस समय राजेश गुर्जर ने मुकाबले का टॉस जीता है। चॉइस क्या है कोर्ट, पहली रेड यहां पर टीम सीकर की तरफ से देखने को मिलेगी। ये लीजिए दोस्तों सीकर की तरफ से पूरण पहली रेड पर, 7 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है और इस समय पूरण सीकर की तरफ से। बहुत ही शानदार रेडर है पूरण है और यहाँ पर अच्छा प्रयास, लेकिन सेफ रेड होगी इस समय। पहली रेड यहाँ पर सेफ रेड रही और अब राहुल चिल्ली रेड पर। जयपुर की तरफ से काफी शानदार रेडर है राहुल चिल्ली और इस समय 7 के डिफेंस में। अच्छा प्रयास रहा, यहाँ पर देखना होगा ऑफिशियल को प्रभावित किया नहीं। बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड रही इस समय टीम जयपुर की तरफ से। और अब राजू चोटी, बहुत ही शानदार रेडर राजू इस समय रेड पर। और बिल्कुल यहाँ पर राजू की भी सेफ रेड, एक बार पुनः इस समय जयपुर की तरफ से रेडर 7 के डिफेंस में इस समय रेड पर। और यहाँ पर कुलदीप बहुत एडवांस टेकर था, लेकिन सफलता यहाँ पर सीकर को मिलती हुई। अकाउंट ओपन हुआ इस समय टीम सीकर का, रेडर आउट 1 पॉइंट टीम सीकर। बहुत एडवांस से लेके थे कुलदीप, लेकिन सफलता आखिरकार मिली टीम सीकर को। अच्छा है यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला। एक बार पुनः इस समय डिसाइड रेड है टीम सीकर की तरफ से, पूर्ण इस समय 6 के डिफेंस में डिसाइड रेड पर। बोनस इस समय पूर्ण के लिए अवेलेबल होगा, देखते हैं 30 सेकंड के अंदर पूर्ण अपनी टीम के लिए बोनस अंक अर्जित करते हैं या फिर टच पॉइंट या फिर अपने आप को समर्पित करते हैं जयपुर को। देखते हैं इस बार बाहर जाना होगा। शानदार डिफेंस यहाँ पर टीम जयपुर की तरफ से, रेडर आउट 1 पॉइंट टीम जयपुर। तो जयपुर का भी इस समय अकाउंट ओपन हो चुका है, दोनों टीमों का स्कोर इस समय 1-1 बराबर। और अब जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर, 6 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है, यानी कि रेडर के लिए इस समय बोनस अवेलेबल होगा। कॉर्नर में इस समय कुलदीप, यहाँ पर शानदार डबल टाइफॉल्ट, बहुत ही शानदार डिफेंस यहाँ पर पूछा द्वारा, अच्छा डिफेंस यहाँ पर कुलदीप द्वारा। एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम सीकर को। एक बार पुनः इस समय राजू चोटी 6 के डिफेंस में रेड पर। इस समय राजू चोटी और यहाँ पर दबोच लिए गए हैं। शानदार डिफेंस यहाँ पर, रेड आउट 1 पॉइंट टीम जयपुर। एक और शानदार डिफेंस यहाँ पर, अब तक के जो भी अंक मिले हैं दोनों टीमों को, दोनों तरफ डिफेंस के अंक, तो मुकाबला इस समय बहुत ही लाजवाब होना है। इस समय राहुल चिल्ली 6 के डिफेंस में, इस मुकाबले का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। अब तक के मुकाबले में एक भी रेड पॉइंट अर्जित नहीं किया। इस बार राहुल चिल्ली और इस बार सफलता मिलेगी राहुल चिल्ली को। अच्छी रेड यहाँ पर राहुल की, रेड सेफ 1 पॉइंट टीम जयपुर। एक अंक और यहाँ पर जयपुर के अकाउंट में, 3 जयपुर 2 सीकर। इस समय विकास काछवा 7 के डिफेंस में रेड पर। बहुत ही शानदार रेडर हैं विकास, 70वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता भीनमाल जालौर में खेली जा रही है और यहाँ पर दबोच लिया है ब्रजेश चौधरी द्वारा। बहुत ही शानदार एंकल होल्ड यहाँ पर, रेडर आउट 1 पॉइंट टीम जयपुर। 4 जयपुर और उसके जवाब में 2 इस समय टीम सीकर, 2 पॉइंटों के लिए इस समय टीम जयपुर के पास। एक बार फिर से इस समय जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर, 4 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है। इस बार कुलदीप गलती कर बैठे हैं, बाहर जाना होगा यहाँ पर कुलदीप को। एक अंक और यहाँ पर जयपुर को, 5 जयपुर 2 इस समय टीम सीकर। और अब पूरण सात के बीच में इस समय। अच्छा प्रयास, लेकिन इसे प्रेड रही इस समय टीम सीकर की तरफ से। और अब एक बार पुणे जयपुर की तरफ से रेड, 3 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है। सुपर टैकल सिचुएशन इस समय ऑन है, अगर यहाँ पर सीकर के डिफेंडर जयपुर के रेडर को रोकते तो 2 अंक मिलेंगे।
और यहाँ पर दो अंक मिलेंगे इस समय टीम जयपुर को। शानदार रेड यहाँ पर जयपुर की तरफ से, रेडर सेफ टू पॉइंट टीम जयपुर। तो 7-2 इस समय जयपुर। इस समय सीकर की तरफ से विपिन रेड पर, 7 का डिफेंस मौजूद है और बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है, लेकिन राजेश गुजर से नहीं बचेंगे। 1+2 3 पॉइंट टीम जयपुर, पहली पेनल्टी शुरुआती क्षण में इस समय टीम है सीकर को। एक बार फिर से इस समय जयपुर की तरफ से रेड, 7 का डिफेंस में रेड पर। और बिल्कुल यहाँ पर जयपुर की तरफ से सेफ रेड होगी, 8 अंकों की लीड इस समय टीम जयपुर के पास, 10-2 है सीकर। और अब राजू चोटी 7 का डिफेंस में, बहुत ही शानदार रेडर है सीकर की तरफ से। यहाँ पर है लंबा हाथ मारा, लेकिन बाहर जाना होगा यहाँ पर, बिना किसी स्ट्रगल के लॉबी का इस्तेमाल किया बाहर बैठना पड़ेगा इस समय राजू चोटी को। रेडर आउट 1 पॉइंट टीम जयपुर, 1 अंक और यहाँ पर जयपुर के अकाउंट में। एक बार फिर से इस समय राहुल चिल्ली 5-6 के डिफेंस में रेड पर। राहुल चिल्ली के लिए इस समय बोनस अवेलेबल होगा, 11-2 है सीकर, 9.2 की लीड इस समय टीम जयपुर के पास है। बिल्कुल यहां पर राहुल चिल्ली की सेफ रेड रही। और एक बार पुनः विकास काछवा 7 के डिफेंस में रेड पर। डिफेंस को जांचा फरका और देखते हैं विकास काछवा इस रेड को किस तरह संचालित करते हैं। कॉर्नर में इस समय प्रो कबड्डी स्टार ब्रजेश चौधरी और कवर में इस समय गोविंद गुज्जर, और दूसरे छोर पर इस समय राजेश गुज्जर। 3-3 प्रो स्टार इस समय मुकाबले में, सॉरी 4 प्रो स्टार, राहुल चिल्ली भी इस समय जयपुर की तरफ से रेड। और सीकर में 1 प्रो स्टार पूरण सिंह। मुकाबला कांटे का है, देखते हैं बाजी कौन सी टीम यहां से मारती है। यहां पर थाई होल्ड का प्रयास कुलसा द्वारा, बिल्कुल शानदार डिफेंस यहां पर, अच्छा सपोर्ट यहां पर देखने को मिला। 1 अंक और यहां पर सीकर के अकाउंट में, रेडर आउट 1 पॉइंट टीम सीकर, 1 अंक और यहां पर मिलता हुआ। और अब एक बार फिर से इस समय राजू चोटी कॉटिन होकर रेड पर, 6 के डिफेंस में इस समय राजू चोटी, और यहाँ पर राजू चोटी को बाहर जाना होगा। शानदार एंकल होल्ड यहाँ पर ब्रजेश चौधरी का, रेडर आउट 1 पॉइंट टीम जयपुर, 1 अंक और यहाँ पर जयपुर के अकाउंट में। इस समय राहुल चिल्ली रेड पर, 6 के डिफेंस में इस समय राहुल, और बिल्कुल शानदार रनिंग हैंड टच, कवर को लपेटा और कवर को पता ही नहीं चला कब तक वो लॉबी में पहुंच चुके थे। एक बार पुनः इस समय पूरण 7 के डिफेंस में, बहुत अच्छी स्पीड का यहाँ पर इस्तेमाल किया राहुल चिल्ली ने। इस समय पूरण सिंह 7 के डिफेंस में रेड पर, और कबड्डी स्टार पूरण इस समय अपने टीम के लिए प्रयास करते हुए, अब तक सीकर को रेड में 1 भी पॉइंट नहीं मिला है। और बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड एक बार पुनः सीकर की तरफ से। एक बार पुनः इस समय राहुल रेड पर, 5 के डिफेंस में इस समय राहुल चिल्ली रेड पर। झुंझुनू काफी अंदर तक यहाँ पर जाने का प्रयास किया, लेकिन खाली हाथ इस समय लौटेंगे राहुल चिल्ली। एक बार फिर से इस समय विकास काछवा 7 के डिफेंस में रेड पर। बिल्कुल यहाँ पर इस बार सफल होंगे विकास, अच्छी रेड, रेड सेफ 2 पॉइंट टीम सीकर, अच्छी रेड यहाँ पर। तो पहली बार सीकर को रेड में पॉइंट मिलते हुए इस समय 2-13 8 पॉइंटों की लीड इस समय टीम जयपुर के पास। एक बार पुनः इस समय जयपुर का रेडर 7 के डिफेंस में। बिल्कुल यहां पर जयपुर की तरफ से सेफ रेड होगी। एक बार फिर से इस समय राजू चोटी 5 के डिफेंस में रेड पर। और बिल्कुल अच्छा प्रयास, इस बार सफलता मिलेगी।
अंक मिलेगा यहाँ पर राइडर सेफ 1 पॉइंट टीम सीकर, एक अंक और यहाँ पर सीकर के अकाउंट में। इस समय डिसाइड रेड जयपुर की तरफ से राहुल इस समय 7 के डिफेंस में डिसाइड रेड पर। 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर राहुल को टच या फिर बोनस अंक अर्जित करना होगा। इस बार कुलदीप बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड था लेकिन समय पर सपोर्ट नहीं मिला। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से बिल्कुल 3 डिफेंडर को बाहर जाना होगा। सुपर रेड इस मुकाबले की पहली सुपर रेड राहुल चिली की, बहुत ही शानदार रेड यहाँ पर राहुल चिली द्वारा। और अब राजू चोटी 7 के डिफेंस में रेड पर, और यहाँ पर राजू चोटी अच्छा रनिंग हैंड टच कवर को लपेटा यहाँ पर, एक अंक और यहाँ पर सीकर के अकाउंट में रेड सेफ 1.3 सीकर। एक बात पुनः इस समय जयपुर की तरफ से रेड 5 के डिफेंस में। उदयपुर वर्सेस के मध्य में जो मैच खेला गया उदयपुर स्कोर यहां पर बाहर जाना होगा। शानदार डिस आउट यहां पर अंक मिलता हुआ यहां पर टीम सीकर को, और बिल्कुल इसी प्रकार के खेल की जरूरत है इस टीम सीकर को अगर इस मुकाबले में वापसी चाहिए तो। 8 के मुकाबले 16 8 पॉइंटों की लीड इस समय टीम जयपुर के पास। एक बार पुनः राजू चोटी इस समय 5 के डिफेंस में रेड पर, बैकी का अच्छा प्रयास सफलता मिलेगी, 2 अंक मिलेंगे यहां पर। अच्छी रेड यहां पर राजू चोटी की, शानदार यहां पर कम बैक किया टीम सीकर ने। 10 के मुकाबले 16 मात्र 6 अंकों का फासला इस समय टाइम आउट टीम सीकर। टीम कोच राशिद के साथ इस समय परिचर्चा करती हुई टीम, देखते हैं आगे किस तरह रणनीति रहती है टीम सीकर की। ये लीजिए टाइम आउट के बाद मुकाबला एक बार पुनः शुरू, और इस समय राहुल चिली 7 के डिफेंस में रेड पर। अच्छी वापसी की है एक पेनल्टी के बाद टीम सीकर ने। समय राहुल बोनस का प्रयास किया है, देखना होगा ऑफिशियल को प्रभावित किया नहीं, क्योंकि बोनस का साफ नियम है एक बार बोनस लाइन के पीछे तो दूसरा हवा में होना चाहिए तभी बोनस वैलिड होता है। इस समय सेफ रेड रही। और अब राजू चोटी 3 के डिफेंस में सुपर टेकल इस समय ऑन है। पिछली 2-3 रेडें राजू चोटी की काफ़ी अच्छी रही हैं। एक बार दबोच ली गई, शानदार डिफेंस यहाँ पर सुपर टेकल 2 पॉइंट टीम जयपुर, 2 अंक और यहाँ पर इस समय टीम जयपुर को। और अब जयपुर का रेड 6 के डिफेंस में रेड पर, 18-10 का स्कोर हो चुका है, 8.2 की लीड इस समय टीम जयपुर के पास है। पहले हाफ का खेल लगभग समाप्ति की ओर है, 12-13 मिनट का समय हो चुका है, सॉरी 20-5-20 का होगा शायद पूर्ण इस समय। 4 के डिफेंस में रेड पर वोकलाइन को पार किया एक छोटी रेड के साथ वापस अपने कोर्ट में। और अब राहुल चिली 6 के डिफेंस में रेड पर, डिसाइड रेड भी है इस समय टीम जयपुर की तरफ से, बोनस इस समय राहुल के लिए अवेलेबल होगा। 30 सेकंड के अंदर यहां पर राहुल चिली को अंक अर्जित करना होगा। इस समय राहुल चिली सफल होंगे, एक बार फिर से बड़ी रेड यहां पर शायद देखने को मिल सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से देखते हैं कितने अंक यहां पर मिलेंगे। 2 अंक यहां पर रेड से 2 पॉइंट टीम जयपुर, अच्छी रेड यहां पर। और अब पूरण 6 के डिफेंस में रेड पर, 20 के मुकाबले 10 सीकर। यहां पर पूरण को भी बाहर जाना होगा। शानदार डिफेंस यहां पर, काफी अच्छा सेंटेकल यहां पर टीम जयपुर की तरफ से, रेड आउट 1 पॉइंट टीम जयपुर, एक अंक और यहां पर जयपुर के अकाउंट में। 21 जयपुर 10 इस समय टीम सीकर। एक बार पुनः इस समय 3 के डिफेंस में जयपुर की तरफ से रेडर, सुपर टैकल सिचुएशन इस समय ऑन है और जयपुर का रेडर इस समय। बिल्कुल यहां पर सेफ रेड रही टीम जयपुर की तरफ से। एक बार फिर से कुलदीप इस समय पहली मरतबा रेड पर, 7 के डिफेंस में इसमें कुलदीप। यहां पर सेफ रेड होगी टीम सीकर की तरफ से। एक बार फिर से इस समय जयपुर का रेडर 3 के डिफेंस में, सुपर टेकल इसमें ऑन है।
यहाँ पर है, देखते हैं। देखते हैं क्या घटा है, ऑफिशियल का क्या डिसीजन रहता है। शायद यहाँ पर खबरी खबर अंदरूनी टच पता नहीं चलता है, देखते हैं ऑफिशियल का क्या डिसीजन रहता है। बिल्कुल यहाँ पर रेडर्स F1 पॉइंट टीम जयपुर, एक अंक यहाँ पर जयपुर के अकाउंट में। और अब सीकर की तरफ से कुलदीप रेड पर, सात के डिफेंस में इसमें कुलदीप। यहाँ पर कुलदीप को अभी बाहर जाना होगा। एक और पेनल्टी का खतरा इस समय टीम सीकर पर, और बिल्कुल यहाँ पर लगभग कंफर्म हो चुका है एक और पेनल्टी लगना। 1+2 3 पॉइंट टीम जयपुर, 3 अंक और यहाँ पर इस समय टीम जयपुर को 25 के मुकाबले 10, तो 15 अंकों की यहाँ पर मजबूत लीड टीम है जयपुर के पास। इस समय राजू चोटी सात के डिफेंस में रेड बॉल, और इस बार सफलता मिलेगी राहुल गुजर को। इस समय बाहर जाना होगा एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम सीकर को 11 के मुकाबले 25। इस समय जयपुर का रेडर सात के डिफेंस में रेड बॉल। यह प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है दोनों टीमों के मध्य, और यहाँ पर बिल्कुल देखते हैं क्या डिसीजन रहता है। रेडर आउट, 1 पॉइंट टीम सीकर, एक अंक और यहाँ पर सीकर के अकाउंट में। इस समय राजू सोटी 5 का डिफेंस में रेड पर, 12-25 का स्कोर इस समय हो चुका है। 13 पॉइंटों की लीड अभी भी टीम जयपुर के पास। यहाँ पर सेफ रेड होगी इस समय राजू चोटी की। एक बार फिर से समय जयपुर की तरफ से रेड, जर्सी नंबर 3 इस समय 7 के डिफेंस में रेड। बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड, और अब पूरण सिंह 5 के डिफेंस में रेड पर। काफी अच्छा प्रयास यहाँ पर टच का दावा ठोका है, लेकिन ऑफिशियल का मानना है इस समय रेडर आउट, 1 पॉइंट टीम जयपुर, एक अंक और यहाँ पर जयपुर का अकाउंट में। इस समय राहुल चिल्ली 6 के डिफेंस में रेड पर। और बिल्कुल यहाँ पर राहुल की सेफ रेड होगी इस बार। इस समय राजू चोटे 6 के डिफेंस में रेड पर। मैच बिटवीन जयपुर वर्सेस सीकर, जयपुर स्कोर 27 पॉइंट्स, सीकर स्कोर 12 पॉइंट्स। यहाँ पर शानदार एंकल होल्ड बरजेश चौधरी का, एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम जयपुर को। रेडर आउट, 1 पॉइंट टीम जयपुर, 12 के मुकाबले 27, तो 15 अंकों की लीड इस समय टीम जयपुर के पास। पहले हाफ का खेल लगभग समाप्ति की ओर है इस समय डिसाइडर टीम जयपुर की तरफ से। 5 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद, बोनस अवेलेबल है नहीं तो यहां पर टच पॉइंट अर्जित करना होगा। लेकिन इस समय शानदार डिफेंस टीम सीकर की तरफ से, रेडर आउट, 1 पॉइंट टीम सीकर। और इस समय पहला हाफ समाप्ति की ओर, और बिल्कुल समाप्त होता हुआ यहाँ पर। बिल्कुल हाफ टाइम के बाद मुकाबला एक बार पुनः शुरू, और इस समय जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर। अब तक के मुकाबले में काफ़ी अच्छी रेड डाली है जयपुर की तरफ से। स्कोर की इस समय बात करें तो 27 इस समय जयपुर, और उसके जवाब में 13 है टीम सीकर, 14 अंकों की लीड यहां पर जयपुर के पास। और बिल्कुल यहां पर सेफ रेड होगी इस समय टीम जयपुर की तरफ से। एक बार फिर से इस समय विकास 6 के डिफेंस में रेड पर। इसमें अच्छा प्रयास, लेकिन सेफ रेड एक बार फिर से सीकर की तरफ से,
और अब राहुल छह के डिफेंस में लड़ रहा। यहाँ पर राहुल संभवतः सेफ रेड के साथ ही लौटेंगे और बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड होगी। इस समय पूरण सिंह छः के डिफेंस में वोकलाइन को पार के एक छोटी रेड के साथ लौटे और बिल्कुल जब डिसाइड रेड आती है सामने वाली टीम की तो ये रणनीति रहती है, उसमें समय भी बचता है और बिल्कुल यहाँ पर डिसाइड रेड इस समय टीम जयपुर की तरफ से। देखते हैं हाफ टाइम के बाद पहला अंक किस टीम को मिलता है। इस समय रेडर को बोनस या फिर टच पॉइंट हासिल करना होगा 30 सेकंड के अंदर। 9, 8, 7, 6, 5 लेकिन यहां पर कुलदीप गलती कर बैठे। एक अंक और यहां पर इस समय टीम जयपुर के अकाउंट में 28 के मुकाबले 13, तो 15 अंकों की लीड इस समय टीम जयपुर के पास। एक बार पुनः समय पूरण सिंह सीकर की तरफ से भी डिसाइडेड है। 7 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है। बोनस इस समय पूरण सिंह के लिए अवेलेबल होगा। इस समय शानदार एंकल हॉट है राजेश गुजर द्वारा। रेड आउट, 1 पॉइंट टीम जयपुर। एक अंक और यहां पर जयपुर के अकाउंट में। 29 जयपुर, 13 इस समय टीम सीकर। 16 अंकों का अंतराल इस समय राहुल चिल्ली एक बार पुनः 4 के डिफेंस में रेडवर और बिल्कुल यहां पर अच्छी रेड है राहुल चिल्ली की। रेड से 1 पॉइंट टीम जयपुर। एक अंक और यहां पर जयपुर को मिलता हुआ और अब कुलदीप। और यहां पर कुलदीप सफल होंगे, अच्छा स्केप यहां पर। रेड से 1 पॉइंट टीम सीकर। एक अंक और यहां पर काफी देर बाद मिलता हुआ टीम सीकर को, तो 14 के मुकाबले 30, 16 अंकों का अंतराल इस समय। एक बार फिर से इस समय जयपुर की तरफ से रेड जर्सी नंबर 3 इस समय रेड पर। 4 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद है दोनों तरफ, दो दो की 4। लेकिन यहां पर रेड सेफ। देखते हैं क्या डिसीजन रहता है यहां पर। बिल्कुल यहां पर दोनों तरफ है ईच 1 पॉइंट मिलेगा। डिफेंडर भी यहां पर आउट और रेडर भी आउट, दोनों तरफ एक एक पॉइंट मिलता हुआ। और अब राजू चोटी 6 के डिफेंस में रेड पर। जिस प्रकार के प्रदर्शन के लिए राजू चोटी जाने जाते हैं इस मुकाबले में वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। यहां पर बहुत एडवांस एंकल हॉट है ब्रजेश चौधरी द्वारा, काफ़ी अच्छा डिफेंस यहां पर। एक अंक और यहां पर इस समय टीम जयपुर को, 31 के मुकाबले 14, 17 अंकों का फासला इस समय 3 के डिफेंस में जयपुर का रेड। सुपर टैकल इस समय ऑन है। और बिल्कुल यहां पर सुपर टैकल हो चुका है। 2 अंक यहां पर इस बार मिलेंगे टीम सीकर को, अच्छा सुपर टैकल यहां पर। तो 16 के मुकाबले 31, 15 अंकों का अंतराल इस समय कुलदीप सिंह रेड पर। 6 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद और कुलदीप इस समय अच्छा प्रयास यहां पर कुलदीप का। यहाँ पर कुलदीप बिल्कुल अंक मिलेगा यहाँ पर जयपुर को, अच्छा डिफेंस यहाँ पर ब्रजेश चौधरी का। रेडर आउट, 1 पॉइंट टीम सीकर। एक बार फिर से इस समय राहुल 3 के डिफेंस में रेड पर। सुपर टैकल इस समय ऑन है। और यहाँ पर बिल्कुल एक और सुपर टैकल इस समय मिलता हुआ टीम सीकर को, सुपर टैकल 2 पॉइंट टीम सीकर। 18 के मुकाबले 32, 16 अंकों का अंतराल एक बार फिर से इस समय, सॉरी 14 अंकों का अंतराल इस समय विकास इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर। और बिल्कुल इस बार अच्छा टू टच। एक अंक और यहां पर इस समय सीकर के अकाउंट में। रेड से 1 पॉइंट टीम सीकर। 19 के मुकाबले 32 इस समय जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर। जयपुर यहां से मैच को थोड़ा स्लो करना चाहती है। और अब विकास 5 के डिफेंस में रेड पर। पिछली रेड में बड़ा अंक हासिल किया था अपने टीम के लिए।
इस बार देखते हैं विकास। यहाँ पर सेफ रेड होगी समय जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 2 रेड पर कुंदन। और यहाँ पर टच का दावा ठोका है, बिल्कुल अंक मिलता हुआ इस समय टीम जयपुर को 33 के मुकाबले 19, 14 अंकों का अंतराल। एक बार पुनः इस समय विकास काछवा 6 के डिफेंस में रेड पर। इस बार सफलता मिलेगी रेड सेफ 1 पॉइंट टीम सीकर। एक अंक और यहाँ पर गोविंद गुजर को इस समय बाहर जाना होगा। और अब राहुल चिल्ली 5 के डिफेंस में रेड पर। 17वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता भीनमाल जालौर में खेली जा रही है और इस समय मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सीकर वर्सेज जयपुर के मध्य। इस बार शानदार डिफेंस टीम सीकर की तरफ से रेड आउट 1 पॉइंट टीम सीकर। एक अंक और यहाँ पर सीकर के अकाउंट में 22 के मुकाबले 33, 11 अंकों का अंतराल यहाँ से है। समय अभी भी काफ़ी बचा है, थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा टीम सीकर को अगर इस मुकाबले में वापसी चाहिए तो। इस समय राजू चौटी 4 के डिफेंस में प्रयास करते हुए और यहाँ पर निकल चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं क्या डिसीजन रहता है। एक ही अंक मिलेगा इस समय टीम सीकर को रेड सेफ 1 पॉइंट टीम सीकर। 23 के मुकाबले 33, तो मात्र 10 अंकों का अंतराल। अच्छी वापसी करती हुई नजर आ रही है इस समय टीम सीकर। पिछली 1.5 से 2 मिनट का समय काफ़ी अच्छा खेल दिखाया टीम सीकर ने। इस समय जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर। इस समय बोनस का प्रयास देखना होगा, ऑफिशियल को प्रभावित किया नहीं। बिल्कुल यहां पर बोनस अंक मिलता हुआ इस समय टीम जयपुर को 34 के मुकाबले 23। राजू चोटी एक बार पुनः इस समय 3 के डिफेंस में रेड पर। अच्छा प्रयास, यहां पर सफलता मिलेगी। एक अंक और यहां पर सीकर के अकाउंट में। अच्छी रेड यहां पर राजू चोटी की, तो 24 के मुकाबले 34। एक बार फिर से इस समय जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर। 7 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है, यानी कि रेडर के लिए इस समय बोनस अवेलेबल है। बिल्कुल यहां पर बोनस अंक इस बार मिला है टीम जयपुर को। इस समय 2 के डिफेंस में राजू चौटी रेड पर। यहां पर राजू चौटी बाहर जाना होगा। शानदार सुपर टैकल, यहां पर 2 अंक मिलेंगे इस समय टीम जयपुर को। सुपर टैकल 2 पॉइंट टीम जयपुर। और अब जर्सी नंबर 2 इस बार अच्छा डिफेंस जर्सी द्वारा, काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पर बाहर की तरफ डैश आउट कर दिया। एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम सीकर को। इस समय पूर्ण सिंह 2 के डिफेंस में। यहाँ पर बिल्कुल 2+2 4 पॉइंट। अच्छी रेड यहाँ पर सीकर की तरफ से पूर्ण सिंह की। 4 अंक यहाँ पर मिलते हुए इस समय टीम सीकर को, तो 29 के मुकाबले 37, मात्र 8 अंकों का अंतराल यहाँ पर बचा है। मुकाबले में वापस आ चुकी है इस समय टीम सीकर। 12 इस समय 12 को इस समय जयपुर की तरफ से राहुल चिल्ली रेड पर। और यहाँ पर इस बार शानदार डिफेंस, अच्छी वापसी यहाँ पर टीम सीकर की तरफ से। रेड आउट 1 पॉइंट टीम सीकर। एक अंक और यहाँ पर सीकर को, 30 के मुकाबले 37, मात्र 7 अंकों का अंतराल यहाँ पर शेष है। इस समय विकास रेड पर, 6 के डिफेंस में विकास इस समय रेड पर। और बिल्कुल यहाँ पर सीकर की तरफ से सेफ रेड होगी। और एक मरतबा फिर से इस समय जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर। जयपुर 39 पॉइंट्स।
जयपुर टीम लीडिंग में 49 मार्जिन ऑफ 9 पॉइंट्स। यहाँ पर सेफ रेड टीम जयपुर की तरफ से, और अब राजू चौटी 6 के डिफेंस में रेड पर, बोनस का अच्छा प्रयास यहाँ पर राजू चौटी द्वारा, और बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड रही। इस समय जयपुर का रेडर 7 के डिफेंस में, समय बोनस का प्रयास देखना होगा। सेफ रेड यहाँ पर, और एक बार फिर से इस समय पूरण सिंह इस समय डिसाइड रेड पर, 6 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है। और इस समय बोनस का प्रयास देखना होगा, ऑफिशियल को प्रभावित किया नहीं। बिल्कुल यहाँ पर बोनस अंक मिलता हुआ इस समय टीम सीकर को, अच्छा बोनस अंक यहाँ पर निकाला पूरण सिंह ने अपनी टीम के लिए, 31-39 इस समय डिसाइड रेड है टीम जयपुर की तरफ से। और यहाँ पर है शानदार थाई हॉल्ड, लाजवाब डिफेंस यहाँ पर टीम सीकर की तरफ से, रेड आउट 1 पॉइंट टीम सीकर। एक अंक और यहाँ पर 32 के मुकाबले 39, मात्र 7 अंकों का अंतराल यहाँ पर। इस समय 5 के डिफेंस में राजू चौटी, और यहाँ पर राजू चौटी देखना होगा क्या डिसीजन रहता है यहाँ पर ऑफिसियल का। बिल्कुल यहाँ पर रेडर सेफ 1 पॉइंट टीम सीकर, एक अंक यहाँ पर मिलता हुआ इस समय टीम सीकर को। तो 33-39 मात्र 6 अंकों का फासला इस समय जयपुर की तरफ से रेडर, 7 के डिफेंस में रेडर। हाफ टाइम के बाद काफी अच्छा खेल दिखाया है टीम सीकर ने। बिल्कुल यहाँ पर जयपुर की तरफ से सेफ रेड होगी, और एक बार फिर से समय सीकर की तरफ से राजू चौटी, समय 4 के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर सेफ रेड होगी समय टीम सीकर की तरफ से, और अब जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर। सीकर के कोर्ट में इस समय 7 का डिफेंस, और जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर। बिल्कुल यहाँ पर जयपुर की तरफ से सेफ रेड एक बार फिर से देखने को मिलेगी। इस समय विकास 4 के डिफेंस में रेड पर, एक छोटी रेड के साथ वापस अपने कोर्ट में। तो यहाँ पर डिसाइड रेड होगी इस समय टीम जयपुर की तरफ से। 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर है जयपुर के रेडर को अंक अर्जित करना होगा, डिसाइड रेड भी है यहाँ पर, 6 अंकों का फासला। बिल्कुल मुकाबला वापस इस समय रोचक बन चुका है। इस बार शानदार डिफेंस है टीम सीकर की तरफ से, लाजवाब डिफेंस यहाँ पर जर्सी का, अच्छा कॉम्बिनेशन टेकल यहाँ पर। एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम सीकर के अकाउंट में, मात्र 5 अंकों का फासला यहाँ से। टाइम आउट टीम सीकर 34 के मुकाबले 39, टाइम आउट के बाद मुकाबला पुनः शुरू हो चुका है। 5 मिनट का समय यहाँ से शेष है, और मात्र 5 ही अंकों का फासला। इस समय राजू चौटी 3 के डिफेंस में, इस बार दबोच लिए गए हैं। शानदार सुपर टेकल यहाँ पर मिलेगा इस समय टीम जयपुर को, 2 अंक मिलेंगे इस समय। अच्छा डिफेंस यहाँ पर जयपुर की तरफ से, सुपर टेकल 2 पॉइंट टीम जयपुर, 41 जयपुर, और उसके जवाब में 35 इस समय टीम सीकर, सॉरी 34 41। इस समय पूरण सिंह बिल्कुल यहां पर सेफ रेड के साथ वापस अपने कोर्ट में। इस समय राहुल सिंह फॉर द मैच, राजस्थान पुलिस वर्सेस टॉम।
राजस्थान पुलिस वरिष्ठ हो और बिल्कुल यहाँ पर राहुल से समय लेंगे। इस समय विकास और दबाव से लेके शानदार डिफेंस यहाँ पर, एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम जयपुर को, अच्छा डिफेंस यहाँ पर। तो 8 अंकों का फासला इस समय बन चुका है और अब कुंदन रेड पर डिसाइडेड यहाँ पर है जयपुर की तरफ से। 3 मिनट का समय यहाँ से शेष है। यहाँ पर है देखते हैं 1 2 3 4 5 समय से देखते हैं कितने अंक मिलेंगे यहाँ पर, शायद सुपर रेड हो सकती है। बिल्कुल 3 अंक मिलेंगे इस समय जयपुर को। और अब पूरण सिंह 7 के डिफेंस में, बिल्कुल अब यहाँ से मुकाबले में औपचारिकता शेषवासी हैं। पूरण सिंह के लिए इस समय बोनस छोड़ दिया गया है, टच पॉइंट किसी भी हाल में नहीं देना चाहिए यहाँ से टीम जयपुर। और बिल्कुल दबाव से लिया, शानदार डिफेंस यहाँ पर, एक अंक और इस समय टीम जयपुर के अकाउंट में 1 अंक मिलेगा यहाँ पर टीम सीकर को। और अब इस समय पेनल्टी लगती हुई टीम सीकर को, 1+2 3 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर। 2 मिनट का समय यहाँ से शेष है, मात्र 120 सेकेंड का समय है, काफ़ी हद तक वापसी की थी टीम सीकर ने, लेकिन इस समय वापस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस समय राजू चौटी 7 के डिफेंस में रेड पर, और बिल्कुल यहाँ पर है 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे, अच्छी रेड यहाँ पर, सुपर रेड। तीन अंक इस समय टीम सीकर को, और अब जयपुर की तरफ से रेड 7 के डिफेंस में। यहाँ पर जयपुर की तरफ से सेफ रेड होगी इस समय राजू छोटी, 1 मिनट का समय शेष है। और यहाँ पर बिल्कुल 1 अंक और इस समय टीम सीकर को, 40 के मुकाबले 50, मात्र 10 अंकों का फासला। एक बार पुनः इसमें जयपुर का रेडर 7 के डिफेंस में, इसमें रेडर समय यहाँ से बहुत कम बचा है, 10 अंकों का अंतराल। तो लगभग यहाँ पर जयपुर अगले दौर में प्रवेश कर चुकी है। जुड़ते हैं नए मुकाबले के साथ, तब तक सभी भाइयों को राम राम। जो भी भाई हमारे YouTube और Facebook पेज पे पहली बार विजिट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर जयपुर की तरफ से सेफ रेड होगी, और यह शायद अंतिम रेड देखने को मिल सकती है टीम सीकर की तरफ से। इस समय पूरण सिंह डिफेंस में, शिव पाटे के लिए समय ऑन है। यहाँ पर 1 अंक और मिल जाएगा टीम सीकर को, रेडर सेफ 1 पॉइंट टीम सीकर। लेकिन इस समय मुकाबले का समय समाप्त हो चुका, जीता है जयपुर ने 41-50 से, यह मुकाबला जीता है टीम सीकर, 9.2 का फासला मात्र।